एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सोने की शादी। तो मैं पहले से बोल देती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एंड में मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगी। मुझे लगेगा कि एंड में बोलते बोलते मैं थक जाऊँगी। तो मैं दुल्हन को लेकर जा रही हूँ पार्लर के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं और मैं ये गुलाब लेकर इसलिए घूम रही थी कि मुझे अपने बालों में लगाना है। फाइनली हम पार्लर पर पहुँचे। पार्लर हमारा जहाँ पर बारात घर के पास में ही था, क्योंकि हमारा जो मेकअप है वो दूल्हे की प्यारी बहन करने वाली है, यानी हमारी ननंद जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की ननंद जी, मेरी नहीं है। तो फिलहाल तो इन्होंने मतलब लग रहा तो धो के पी गई मेकअप, मैंने धो के पी लिया। मैंने बहुत कम वॉश कर रहे हैं शादी। चलो उसका बेटा, इनका मेकअप करा हुआ था इन दोनों के दोनों ने। चलो गाइस, दूल्हे राजा से मिलाते हैं आप लोगों को। बारात पहुंच चुकी है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्यारे दूल्हे राजा को। तो बारात आ चुकी है, यहाँ पर द्वार पूजा की रस्म हुई है और यहाँ मैं तो नहीं थी, बट ब्राइडल तैयार हो चुकी है। मेरा मेकअप निकल चुका है। नहीं, बहुत प्यारी लग रही है सोना। थैंक यू। मैंने मेकअप नहीं दिखाया क्योंकि सरप्राइज था, इसलिए बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी। थैंक यू सोना बेबी। अगर मैं इसे किस करूंगी तो मेरे मुंह पे लग जाएगा। और जो दीदी थी वो इन्होंने सजाया था। दीदी नहीं नहीं यहाँ तो बनाना ही है भाई, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। सोना घबराते नहीं है ना, इसमें घबराने की क्या बात है, मैं हूँ ना साथ में। चल ठीक है, तेरी विदाई तक साथ रहूंगी, चाहे बाद में मुझे कितना भी रोना पड़े, टेंशन मत ले। फ्रेंड है, मैं हूँ आपके साथ, मेरी फ्रेंड की तरह। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, कल पता चलेगा दीदी को। अभी तो छुट्टियाँ बनाई और कल छुट्टियाँ और ऑफिस। यहाँ पे ये रस्म आ रही है कि यहाँ पे सोना को गोद में उठा के ले जा रहा है। ये उड़ीसा में रस्म होती है और यहाँ पे भैया सोना को वहाँ तक छोड़ने के लिए जाएंगे। और थोड़ा सा नॉइस हो सकता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और स्टेज से थोड़ा सा चार कदम पहले उतार देंगे और यहाँ पे मम्मी पापा और सोना सबका एक क्लोजअप होते हुए, क्योंकि भैया फ़ोटोग्राफ़र्स को फ़ोटो तो चाहिए होती है। हम तो भाई ब्लॉग से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ का नहीं। सोना की शादी में मुझे पता चला कि बेस्ट फ्रेंड भी शादी में इतनी इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब मैं सोना के साथ, पर मैं चाहती थी कि ऐसा रहे कि वो उसकी ये दिन बहुत ज़्यादा खुश रहे, वो एंजॉय करे, इसलिए मैंने अपना 100% दिया। ये तो सोना ही बताएगी कि 100% दिया या नहीं दिया, ये तो है। बट वो खुश थी, बस मैं खुश थी। और यहाँ पे एंट्री करते हुए और थोड़ा सा फास्ट चल रही थी हमारी दुल्हन, क्योंकि उसको जल्दी थी जाने की। बाबा तो हमारा वही ड्रामा कि भैया तू खींच मेरी फ़ोटो। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ़र भैया को कहा कि भैया हमारी फ़ोटो ले लेना, या मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं भाई, सब भी होता है यहाँ पे। चलिए भैया लेट हो रहा है फ़ोटोग्राफ़र भैया, हमारी ब्राइडल को भी पूरी रात बैठना है सुबह। अब आते हैं हमारी लाडो रानी की विवाह की रस्में शुरू हो गई हैं, यहाँ से स्टार्ट होती हैं उसकी न्यू बिगनिंग। आई होप वो लाइफ में खुश रहे और सारी खुशियाँ जो वो चाहती है मिले, और भगवान उसको बहुत खुश रखे। आई ऑल्सो लव यू सोना।